दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके भी जो है वन प्लस मोबाइल के होम स्क्रीन से जो है गलती से आपसे गूगल सर्च बार डिलीट हो गया, गूगल सर्च बार आपसे जो है गलती से रिमूव हो गया, तो कैसे आप लोग उसको जो है वापस ला सकते हो। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे मोबाइल के होम स्क्रीन पर आपको गूगल सर्च बार दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको जो है सबसे पहले तो रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने इसको रिमूव कर दिया, अब मैं आपको यहाँ पर जो इसको वापस ला करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर जो है थोड़ी देर दबा करके रखना है, मतलब थोड़ी देर टैप करके रखना है। जैसे आप लोग यहाँ पर थोड़ी देर दबा करके रखोगे तो आपको यहाँ पर नीचे जो है तीन नए ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पर एक नया ऑप्शन दिखाई देगा विजेट्स का, तो आपको जो है विजेट्स वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारे विजेट्स आपको दिख जाएंगे। तो आपको यहीं पर आपको जो है गूगल सर्च बार का विजेट्स आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर गूगल का आपको विजेट्स दिखाई देगा गूगल, तो आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर या फिर नीचे कहीं पर डन या फिर ओके का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको डन या फिर ओके कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर जो है गूगल सर्च बार यहाँ पर जो है आ जाएगा, सेट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों, आप लोग अपने वन प्लस मोबाइल के होम स्क्रीन पर गूगल सर्च बार को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो अगर आपसे जो है रिमूव हो गया गलती से। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, नॉलेज मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक कमेंट जरूर करना। तब तक ले दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।